मिर्ज़ापुर जनपद विकासखंड 96 के गांव असवा चड़िचा में गांव के ही दो युवकों ने मिल करके नाबालिग के साथ किया बलात्कार। देखिए हमारी खास रिपोर्ट P7 के साथ। गांव है असवा, क्या मामला है? मामला है कि जो है हमारी जो है भाई की लड़की को जो शौच करने के लिए आई थी, ते लोग जो है दो लड़के वीरेंद्र और जो है जय हिंद ने उसको जबरदस्ती पकड़ा और लेकर नाले में चले गए और उसके साथ दुराचार किए। आप ही की बिरादरी के लोग? 11 तारीख की बात है। लड़की को जो है लोग धमकाए धमकाए मारने के लिए धमकी दिए। उसकी माँ जो है वो चली गई थी मायके, जब उसके परसों आई है उसकी माँ, तब अपनी माँ से वो रोते रोते बताई, तब हम लोग सब पूरे लोग मालूम। 8 दिन बाद आपको पता चला? हाँ, उसकी माँ आठ दिन बाद। तो आप ही के अभी के कास्ट के लोग हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। कहाँ पे हैं वो? कौन गांव में है कि भाग गए हैं? जो है जब से आप लोग पुलिस वाले सब इधर आना सुन के तो भागना सुन तो मतलब प्राथमिकी दर्ज हुई कि नहीं आप लोगों की? प्राथमिकी भी नहीं दर्ज। कौन थाना है? थाना जीना। अच्छा, तो प्राथमिकी दर्ज करके उनको मेडिकल कराना चाहिए आपको। आपने कहा उनसे? ऐसा है कि जो है कल आए थे पुलिस वाले, कहे कि कल आओ जो है मेडिकल जांच कराएंगे, उसके बाद जो है लिखा बड़ी करेंगे। आज सुबह 8 बजे से थाने पर गए थे लेकिन अभी तक कुछ नहीं। कई घंटे थाने पर थे? थाने पर जो है ये लोग जो है अब कहने का मतलब है कि 3 बजे हो लगभग, 8 बजे से गए थे। माता जी लगभग 7 घंटे? 7 घंटे करीब माता जी ना। तो वो कहे कि बोले कि हमारा पेट पिरा रहा है, हमारे घर में काम लगा है, काम लगा है। तो हम लोगों के मालूम नहीं किसका पेट पिरा रहा है, बाहर जा रही है। और जब पेट पिरा लगना उसका तो वो आ गई यहाँ खेते में। जब खेते में आ गई तो दोनों जने वो सभी रहें और ऊपर हाथ पकड़े मुँह बांधे। कौन कौन था? वीरेंद्र और जय हिंद। अच्छा, उनके पिता का नाम? पिता का नाम छोटे लाल। वीरेंद्र के पिता का नाम छोटे लाल और जय हिंद के पिता का नाम। अच्छा, किस तारीख की घटना है ये? घटना 11 तारीख की है क्या सर? 11 तारीख। तो आप लोग इतने दिन से कंप्लेन क्यों नहीं की? सर हम बताई ही नहीं लड़की ना। अच्छा, लड़की के चेतावना दिया है, मारे हैं कि बताओगे तुमको काट देंगे, काट के गंगा जी फेंक देंगे। पेट दर्द करने लगा मतलब? नहीं समझे। पेट दर्द करने लगा बाहर जाने के लिए। लेटरिंग आई थी? हाँ, लेटरिंग आई थी तो उस काम लगा है, लेटरिंग में नहीं गई। ब्लीडिंग हो रही थी क्या लड़की को? आप कौन है? लड़की को ब्लीडिंग खून आ रहा था? नहीं, मतलब पेट दर्द करने लगा, खेते आई थी। क्या नाम था बिटिया का? वो नाम है शिव कुमार। आप कौन है? बताई दी। अच्छा, आप कौन है? लड़की कौन है? आप चाची है? लड़की वहाँ से गई है। आप कौन है? लड़की आप? लड़की का हम चाची है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवंती है। कौन सा काम है? क्या घटना हुई? हम बेरियल लगे रहे, हमारे बिटिया यहाँ आए रहे, ये पच्चे जबरदस्ती पकड़ के लाई गए। कौन कौन? वीरेंद्र वो जय हिंद। आप ही के गांव के हैं? हाँ, हमारे बगल में वीरेंद्र, अभी थोड़ा दूर में है। क्या उम्र है आपकी बेटी की? हमारे बेटी को 10वीं नाम पढ़ता है, मतलब 11-12 साल हो गए। और वो लोग कितने साल के? अरे वो यानी कि 8 लड़का है, यानी 30 साल का है, उसकी शादी नहीं भाई। हमारे लड़की के साथ ये कर रहे थे, हम आओ तो हमारी बेटी बताए तो हम सबके आप रिश्ते में क्या लगते हैं? वो देवर लगते। लड़की के लड़के क्या लगे? चाचा लगेंगे, मतलब पिता समान। हाँ, जैसे हमारे देवर हैं तो लोग तो क्या चाचा चाहती हैं? हम का इधर चाहते कि हमें बिटिया संग है न्याय ग्रहण करें भाई। हम नहीं तो न्याय क्या चाहती हैं? न्याय चाहती हैं। हाँ, क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? उन्हें सजा मिले? हाँ, सजा उन्हें मिले चाहे, जब हमारी इज्जत ले हैं तो उनके चाहे फांसी तक जाना पड़े। ठीक। हाँ, साथ गई है को हाजिर करिए तभी हम FIR कराएंगे। कौन हाजिर करेगा? अब हम लोग को बता, आप क्यों हाजिर करेंगे? पुलिस पकड़ेगी आप? तो यही डिमांड रख रहे हैं कि ऐसा है कि क्या कह रहे हैं थाने वाले? थाने वाले बोल रहे हैं कि दोनों पक्ष हाजिर होगा तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अच्छा। हाँ।